आप देख रहे हैं क्राइम 80 न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही वैशाली के हाजीपुर शहर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ केंद्र मंत्री श्री रामविलास पासवान के द्वारा किया गया, जहां आज दिनांक 1/9/2018 को वैशाली जिला के हाजीपुर शहर के रजन चौक स्थित पोस्ट ऑफिस कार्यालय में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान एवं वैशाली जिलाधिकारी श्री राजीव रौशन जी, हाजीपुर विधायक श्री अवधेश सिंह, लोजपा सांसद प्रतिनिधि श्री अवधेश सिंह, भारतीय डाक विभाग वैशाली के डाक अधीक्षक के दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में लोजपा जिलाध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह, जिला महासचिव उदय कुमार सिंह, राघोपुर प्रखंड अध्यक्ष श्री कपूर भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपको पूरी खबर दिखा रहे हैं फोटो और वीडियो के माध्यम से। चंडीगढ़ में चलाया, 3 साल से चल रहा है, एक पांडिचेरी में चलाया और एक खादर नगर है बीजेपी। अब उसमें सबसे जो बड़ी दिक्कत है कि हमको पैसा दे देते हैं 30 तारीख को राज्य सरकार के पास, हो सकता है कि राज्य सरकार भी जो है जो बेनिफिशरी है उसको जो है लाभार्थी है उसको उनके खाते में डाल दे। लेकिन क्या होता है कि बैंक की सुविधा नहीं है हर जगह, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर यही हाजीपुर में जाते हैं, हर प्रखंड में लोग कहते हैं हमारे यहाँ कोई बैंक खुलवा दीजिए, बैंक खुलवा दीजिए। तो नतीजा क्या होता है कि जब बैंक में जाते आता है वो तो उसको जितना पैसा नहीं लगता है खरीदने में उससे ज्यादा उसको जो है परेशानी हो जाती है, रोजी रहना पड़ता है। नतीजा है कि हम उसको जो है पूरे देश में लागू नहीं कर रहे हैं। ये यदि बैंकिंग हमारा सिस्टम हो जाता है जो मानते हैं कि यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, ये हर गांव में काम करना शुरू हो जाएगा तो वो गांव में ही रहेगा, आपको समाज का रहता है और उसका वेतन भी जो है कहते हैं कि बढ़ा करके जो है जो 2200 रुपया पहले 2200 कहता 2200 जो है कुछ रुपया था उसको बढ़ा करके हम लोगों ने जो है 3 फीट में 14000 तक जो है करेंट डिपोजिट भी है, हर चीज का क्या कहते हैं कि जो है इसमें सारी की सारी जो है सुविधा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ आप देख ले तो अगर एक QR कोड के खास बातों पे गौर करो तो ये है कि आपके दरबार और आज बन गया और घर घर में बैंक चला गया। कुशवाहा जी कह रहे हैं